क्या आपको पता है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि द्रौपदी मुर्मू के जीवन और राजनीतिक करियर के बारे में। तो बता दें, कभी बच्चों को पढ़ाती थी द्रौपदी मुर्मू, जो आज भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता हैं और झारखंड की गवर्नर रह चुकी है। और द्रौपदी की जन्म की बात करें तो उनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरची नारायण टुडू था, जो अपनी परंपराओं के मुताबिक गांव और समाज के मुखिया थे। द्रौपदी ने अपने गृह जनपद से शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद भुवनेश्वर के राम देवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और कुछ समय तक इस क्षेत्र में काम किया, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ, जिससे उनके दो बेटे और एक बेटी हुई। बच्चों और पति का साथ छूटना द्रौपदी मुर्मू के लिए कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समाज के लिए कुछ करने के लिए राजनीतिक में कदम रखी। और द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ओडीसी से भाजपा के साथ ही की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1997 में राय नगरपुर नगर पंचायत के परिषद चुनाव में हिस्सा लिया और जीत दर्ज कराई। भाजपा ने मुर्मू को पार्टी के अनुसूचित राजनीतिक मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार में साल 2000 से 2002 तक वो वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभाव मंत्री रही और साल 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। और उसके बाद उन्होंने ओडिशा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव भी जीता और बाद में साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी नियुक्ति हुई और राज्य की पहला महिला गवर्नर बनी। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है, जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। ये वीडियो आप लोग की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।